Today's inspiration, one who has the capacity to see hidden beauty behind everything, always stay happy. Anyone who keeps ability to see beauty never grows old. जिसे हर चीज में सुंदरता देखने की खूबी या फिर क्षमता होती है वह सदा सुखी रहता है और कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भोला फिटनेस। आज का जो वीडियो है वो नमक के खूबियों के बारे में। जी हाँ, नमक कई प्रकार के होते हैं, सेंधा नमक, काला नमक, समुद्री नमक और सामान्य नमक। ये नमक हमारे कई तरह के बीमारियों को दूर करता है और हमें स्वस्थ रखता है। जी हाँ, जानते हैं इस वीडियो में कि नमक हमारे लिए क्या क्या फायदे देता है। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए, कुछ पूछ रहा हूँ बताना तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको अपच की समस्या हो रही है तो आपको क्या करना है, नींबू के साथ में नमक मिलाकर अगर आप सेवन करते हैं तो इससे अपच की समस्या दूर हो जाती है। तो ये नींबू के साथ नमक की खूबियां। इसके साथ ही अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो आपको क्या करना है, लहसुन को कूच लेना है और लहसुन को कूच के इसमें नमक मिलाकर अगर आप माथे पर लेप लगाते हैं तो इससे माइग्रेन की तकलीफ में भी आपको काफी आराम। खट्टी डकार की समस्या से परेशान है तो आपको क्या करना है, आधा आधा चम्मच पुदीना, अजवाइन, सौंफ, काली मिर्च, बड़ी इलायची और काला नमक, इसे आप मिक्स करके इसका पाउडर बना लेंगे। आधा आधा चम्मच आप हर दो घंटे में लेते हैं तो आपको खट्टी डकार की समस्या से काफी आराम मिलता है। इसके साथ अगर आपके पेट के दर्द की समस्या हो रही है तो आपको एक केला लेना, उसका पेस्ट बनाना, उसमें काला नमक मिलाकर आप उसे पीते हैं तो आपके पेट दर्द में आपको काफी आराम। यदि आपको थकान हो रहा हो या फिर आपके बदन टूट रहे हो तो आपको क्या करना है, एक बाल्टी हल्का गुनगुना पानी लेना है, उसमें पैरों को पूरा डुबो लेना है, इसमें 3 से 4 चम्मच नमक मिलाना है और घुटने तक आपके पैरों को धोते रहना है। थोड़ी देर रखने के बाद इसे आप बाहर निकल के तौलिए से पोंछ लें, इससे आपको काफी आराम मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रही है, कहीं भी जॉइंट्स में अगर दर्द हो रही है तो आपको क्या करना है, तिल का तेल लेना है, इसमें नमक मिलाकर इसे भून लेना है। अब इस तेल को क्या करना है, आपको जॉइंट्स पे लगाकर मालिश करना है, इससे जोड़ों के दर्द में भी काफी आराम। अगर आपको पेशाब रुक रुक कर होने की समस्या हो रही है तो आपको क्या करना है, नमक को पीस लेना है, नमक को पीस लेने के बाद आपको उसे नाभि पे रखना है और बूंद बूंद करके पानी डालना है, इससे धीरे धीरे करके आपके रुक रुक कर पेशाब होने की समस्या से आपको आराम मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपके दांत में कीड़े हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच नमक मिला लेंगे, इसे घोल लेने के बाद मुंह में डालेंगे, एक एक घूंट करके और कुल्ला करेंगे इसे मुंह में घुमाते हुए, इससे दांत के कीड़े धीरे धीरे निकलने और खत्म होने शुरू। अगर आपको कब्ज की समस्या हो रही है तो आपको क्या करना है, आधा नींबू लेना है, उसे गिलास में निचोड़ लेना है, इसमें आधा चम्मच सेंधा नमक और काला नमक मिक्स करके डालेंगे, इसे अगर आप पीते हैं तो 15 मिनट के अंदर में आपके कब्ज की समस्या से आपको आराम मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको गर्दन में ऐंठन हो रही है या मांसपेशियों में कहीं दर्द हो रहा है तो आपको क्या करना है, नमक और हल्दी की एक पोटली बनानी है, उस पोटली को गरम तेल में, मतलब गुनगुना तेल कर लें और उस पोटली को तेल में हल्का सा मिलाकर उस जगह पर लगाने और मलने से आपको मांसपेशियों में दर्द से आराम मिलेगा, गर्दन में हो रही ऐंठन से आपको आराम मिलेगा। अगर आप तनाव की समस्या से जूझ रहे हैं और तरोताजा महसूस नहीं कर रहे तो आपको क्या करना है, 2 कप सेंधा नमक लेना है, 1 बाल्टी गुनगुने पानी में, हल्के गुनगुने पानी में 2 कप सेंधा नमक मिलाकर अगर आप इससे नहाते हैं तो आप तनाव से मुक्त हो जाते हैं और तरोताजा महसूस करते हैं। कम से कम हफ्ते में 2 बार इसका जरूर उपयोग करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको बदहजमी की समस्या हो रही है तो आपको क्या करना है, प्याज का रस लेना है, उसमें नमक मिलाकर अगर आप इसका सेवन करते हैं तो बदहजमी की समस्या से आप बच सकते हैं। तो ये था नमक की छोटी सी जानकारी कि नमक के कितने गुण और फायदे होते हैं। आई होप आप इस नमक के बारे में अच्छे से जान सकें और इसका अच्छे से सही तरीके से इसका सेवन कर अपने आप का लाभ उठाएं। मेरे वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।